हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको घर को ऑर्गेनाइज़ करना बताऊंगी, वो भी वेस्ट मटेरियल से। जो हम वेस्ट मटेरियल को फेंक देते हैं, हमें लगता है कि वो काम के नहीं है, बस उन्हीं चीज़ों से मैं आपको घर को ऑर्गेनाइज़ करना बताऊंगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला मेरा आइडिया है कि यहाँ पर जो भी टी शर्ट्स या लेगिन है पुरानी हो जाती है, तो उनको मैं रीयूज़ करना बताऊँगी। तो आप फटी पुरानी लेगिन या टी शर्ट को ले लीजिए और उसको लेंथ की साइड से इस तरीके से कट कर लीजिए। तो हमें लेंथ में चाहिए। लेंथ में कट करने के बाद जो नीचे से जो जॉइंट वाला पार्ट है, जॉइंट वाले पार्ट से मैं इस तरीके से इस पार्ट को कट कर लूँगी। तो इस तरीके से मुझे पहले छोटे छोटे पीस में इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद देखिए, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरीके से खुलेगा। दूसरे वाले पार्ट को भी हमें लेंथ की साइड में से कट कर लेंगे और कट करने के बाद जिस तरीके से मैंने ऊपर वाले पीस को कट किया है, वैसे ही इसको भी कट कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर कोई भी एक, आप चाहे आपके पास पाइप है प्लास्टिक का या कोई भी ले लीजिए, मेरे पास प्लास्टिक का पाइप नहीं, तो मैंने यहाँ पर जो बच्चों के कवर लेके आते हैं तो उसी में से जो रोल निकलता है, मैंने उस रोल को यूज़ किया है। तो इस तरीके से आप, जिस तरीके से मैंने इसको फोल्ड करते हुए पूरे में इसको राउंड राउंड लगा लिया है, वैसे ही आप इसको अभी पीस को लगा लीजिए। अभी मैं 2 पीस लगा रही हूँ, उसके साथ साथ मैं 1 पीस को और लगा लूँगी। तो इस तरीके से आपको जितना मोटा बनाना है आप उसके अकॉर्डिंग इसमें सारे पीस को ऐड कर लीजिए। तो आप चाहो तो यहाँ पर सिलाई, हाथ से सिलाई भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर गन ग्लू का यूज़ करते हुए इसको लगाया है। तो देखिए, इस तरीके से हम कहीं भी अपने टीवी के पास से और से जो जब भी हमें सफाई करनी होती है या कॉर्नर्स में, इस तरीके से हम सफाई कर सकते हैं, या फिर कहीं भी दीवार पे भी अगर करनी हो तो हम दीवार पे भी इस तरीके से इसको साफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको हैंडल को बना सकते हैं। दूसरा आइडिया है मेरा, यहाँ पर जो भी हम रेडीमेड कपड़े लेके आते हैं तो उसके साथ ये हैंगर वाला प्लास्टिक बैग होता है, तो उसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं। तो आप इनमें छोटे छोटे सामान को रख कर इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर देखिए सॉक्स को, सभी सॉक्स को रखते हुए आप कहीं भी अपने अलमारी में, जहाँ भी हैंग करने के लिए जगह हो, आप अलमारी के गेट पे या दीवार पे कहीं भी इसको हैंग कर सकते हो। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर जो भी फ्लिपकार्ट और से जो बॉक्स आते हैं, इन बॉक्स को हम फेंक देते हैं, कोई यूज़ नहीं लेते, तो मैं इन बॉक्स का यूज़ कर रही हूँ। तो इन बॉक्स को मैं सबसे पहले यहाँ पर जो पुराने या फिर आपके पास जो भी बचे हुए कपड़े हैं, आप उन कपड़ों को इसके ऊपर लगा लीजिए। अगर आपके पास कोई पेपर है तो आप पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये फैब्रिक है तो मैं फैब्रिक ही यूज़ कर रही हूँ, जो पेपर की तरह ही दिख रहा है। तो इस तरीके के फैब्रिक, जो बचे हुए फैब्रिक होते हैं, हम उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस बॉक्स के चारों तरफ से मैंने यहाँ पर फैब्रिक को लगा लूँगी। यहाँ पर चारों तरफ से ग्लू लगाते हुए मैं इस पर लगा लूँगी। तो ये देखिए, चारों तरफ से मैंने यहाँ पर फैब्रिक को कर लिया है। अब पीछे की साइड से जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, हम उसको कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पार्ट रखते हुए नीचे से पूरे पीस को कट कर लिया है। तो जो भी हमारे साइड में से बचा है, उसको ग्लू की हेल्प से इनको भी पेस्ट कर देंगे। तो मैं ग्लू से यहाँ पर पीछे वाले पार्ट को मैंने पेस्ट कर लिया है, और जो हमारे ऊपर की तरफ कॉर्नर एक्स्ट्रा थे उनको भी मैंने यहाँ पर ग्लू से पेस्ट कर लिया है। उसके बाद जो यहाँ पर नीचे हमारा फैब्रिक बचा हुआ है, इस फैब्रिक को मैं इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा फैब्रिक है उस फैब्रिक को लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, फैब्रिक को लगा लिया, नीचे वाले पार्ट को मैंने कट नहीं किया, इसको इसी के अंदर पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने उसी के कॉम्बिनेशन का एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, नीचे और ऊपर की तरफ हम लगाते हुए इसको पेस्ट कर लेंगे। देखिए, हमारा यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी है। इसको अब आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, देखिए मैंने तो यहाँ पर किचन में रखा है। किचन में हमारे जो भी एक्स्ट्रा चीज़ होती है, इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने रखा है, ताकि हमारा जो किचन है वो थोड़ा अच्छा लगे। देखिए, इस तरीके से मैंने कांच की बोतल में ही प्लांट लगा के यहाँ पर इसको डेकोरेट कर लिया है और इसको किचन के कॉर्नर में रख दिया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरीके से आप वेस्ट चीज़ से भी अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए ये प्लास्टिक बैग लिया है, जो कि प्लास्टिक बैग ये मैंने ऑनलाइन शॉपिंग में टी शर्ट्स मंगाई थी तो उसी में से निकला था, और जो ये रोल है यहाँ पर जो फॉइल पेपर होता है उसी में से निकला था। तो मैंने यहाँ पर अपने बैंगल्स को डालते हुए इसके अंदर डाल लिया है, ताकि हमारा जो ये बैग है ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो हम कहीं भी ट्रैवलिंग करें तो इसको इसके अंदर डालते हुए हम अपने बैंगल्स को कैरी कर सकते हैं। बस अगर हो सके तो इसमें कांच की या फिर लाख की चूड़ियों को आप मत डाल लें, बस प्लास्टिक की या जो सीप की चूड़ियाँ होती हैं उन्हीं का ही यूज़ करें। उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पर टिश्यू रोल लिया है, और एक ये जो मिठाई वाला या फिर जो बिस्कुट वाला बॉक्स होता है जो बिना ढक्कन का आता है, मैं उन बॉक्स को लिया है, इसमें सारे रोल को लगा लिया है। लगाने के बाद इसमें बच्चों के आप कलर्स को या कोई भी जो स्टेशनरी आइटम होते हैं वो रख सकते हो, या मेकअप के लिए ब्रश रख सकते हो, किसी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो।
चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेन कैरी बैग ली है, मेरी प्रिंटेड है, आप यहाँ पर प्लेन लोगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने यहाँ पर ऊपर से बिल्कुल हल्का सा कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद जो भी आपकी हैवी ड्रेस होती है उसको इस तरीके से हैंग कर सकते हो। तो मैंने इसको हैंगर में डाल लिया है ड्रेस को, और उसके बाद इस हैंगर को कैरी बैग के अंदर डालते हुए जो हमने छेद किया था उस छेद में से निकाल लेंगे हैंगर को। और यहाँ पर निकालते हुए हमारा जो हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र है बनके बिल्कुल रेडी है। तो इस तरीके से आप अपनी अलमीरा में इसको रख सकते हो, ताकि हम अपने को सारे जो हैवी साड़ी है, हैवी सूट है, तो किसी को भी हम रख सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैं हैंग करके दिखा रही हूँ, तो हैंग करके हम अपने हैवी ड्रेसेस को सिक्योर कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी सारी ड्रेस को इसमें रख सकते हो। बस प्लेन अगर आप कैरी बैग लोगे तो आपको सबसे अच्छा लगेगा। यहाँ पर उसके बाद जो हम मार्केट से सामान लेके आते हैं, प्याज या टमाटर, तो इस टाइप की एक कैरी बैग देते हैं प्लास्टिक वाली, तो आप इसको भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इसको देखिए इस तरीके से फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद मैंने धागे से इसको टाइट कर लिया, ताकि यहाँ से ये नॉट लग जाए और यहाँ पर हमारा ये जो पार्ट है वो खुले ना। इसको अच्छे से हम टाइट कर लेंगे, और सेम जो वाइट कलर था तो इसलिए मैंने वाइट थ्रेड को ही यूज़ किया, ताकि हमारी थ्रेड दिखे ना। इसके बाद इसमें नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड है हम उसको कट कर लेंगे। उसके बाद साइड से देखिए मैं इस तरीके से इसको खोल लूँगी, ताकि हमारी ये बटरफ्लाई शेप में बन जाए। बटरफ्लाई शेप में बनने के बाद इसको अच्छे से खोल लिया। खोलने के बाद जो हमारी शेप बनी उस शेप में मैं यहाँ पर रिबन लगा रही हूँ, तो आप इसमें भी रिबन्स का या फिर और किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर देखिए रिबन लगा रही हूँ, तो जिस तरीके से रिबन लगा रही हूँ आप वैसे ही रिबन लगा लीजिए। लगाने के बाद इसको जो भी एक्स्ट्रा रिबन है उसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पर एक बो बन के बिल्कुल रेडी है। अब आप इस चाहो तो इस बो को आप डेकोरेशन में काम ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर बच्चों के क्लिप को रेडी किया है। तो जो पुरानी क्लिप थी टूटी हुई, तो उसी का पीछे का जो एलिगेटर होता है उसको ले लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको पीछे से इसको पेस्ट करते हुए मैंने इसको पिन को रेडी कर लिया है। और बीच में आप चाहो तो यहाँ पर कोई बटन या स्टोन लगा सकते हो, तो मैंने यहाँ पर रेड कॉम्बिनेशन का ही बटन लगाया है। देखिए मैं इसको आपको लगा के देखती हूँ कि पिन कैसी लग रही है। तो आप जुड़े में या फिर बच्चों के कहीं भी लगा सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पर जुड़ा बना के साइड में इसकी क्लिप लगा ली है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। आप अगर क्लिप की जगह चाहो तो डेकोरेशन में भी बना सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कैरी बैग ली है, जिसका कैरी बैग का मेजरमेंट 6x6 करते हुए मैंने इसको डबल फोल्ड कर दिया है, और नीचे से हमें थोड़ा सा पार्ट इसको छोड़ना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने इसको एक ऑर्गेनाइज़र की तरह इसको खोल लिया है। खोलने के बाद बीच में मैंने यहाँ पर हार्डबोर्ड रख दिया है, और दूसरी तरफ भी मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड डाल के इसको किनारों को सेट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर जो छोटे वाले साइड थे उस साइड भी मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड को डाल के इनको टाइट कर लिया, ताकि हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाए। उसके बाद जो हमने नीचे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट लग लिया था उसका कॉर्नर्स बन गया, तो कॉर्नर्स को हम इस तरीके से बाहर की तरफ लगा देंगे, और उनके ऊपर थोड़ा बटन या फिर स्टोन लगा देंगे, ताकि हमारा थोड़ा ये सुंदर लगे। उसके बाद जो हमारे सूट में से जो कढ़ाई वाले सूट होते हैं उसमें से फ्लावर बच जाते हैं, तो मैंने उन्हीं फ्लावर्स को अच्छे से कट कर लिया है। कट करने के बाद इसमें अच्छे से डेकोरेट करते हुए मैंने बॉक्स को डेकोरेट कर लिया, ताकि हमारा बॉक्स कुछ अच्छा लगे। तो देखिए हमारे यहाँ बॉक्स बन गए हैं। तो मैंने यहाँ पर जितने भी मेरे क्लच वाले पर्स होते हैं तो उनको डाल लिया है, ताकि मैं इसको ईजिली निकाल सकूँ और कहीं भी एक दूसरे के साथ ही दबे ना। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आइडिया है, मैंने यहाँ पर पुराना पिल्लो कवर लिया है, पुराना हो जाता है, तो मैंने इसमें अपनी हैवी साड़ी को डाल लिया है। डालने के बाद अगर आप हैंग करके नहीं रखना चाहते, इस तरीके से आप अगर आप कपड़ों को समेट के रखना चाहते हो, तो आप इस तरीके से पिल्लो कवर में भी डाल के आप इसको अच्छे से सेफ रख सकते हो। क्योंकि ये ड्रेसें काफ़ी ऐसी होती है कि हम इनको काफ़ी महीनों तक नहीं निकालते, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर फिर से एक मिठाई वाला बॉक्स और यहाँ पर जो रोल होते हैं उनको लिया है। तो आप इस तरीके से अपने बैंगल्स को इसमें रख के सेट कर सकते हो। अगर हमें जैसे शाम को कहीं जाना है शादी और में, तो उससे पहले ही हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी बैंगल्स को सेट करके रख सकते हैं। फिर जब भी इनको पहनना हो तो हम सीधे इसमें से निकाल के पहन सकते हैं, या फिर ऐसे बॉक्स में आप इकट्ठे करके भी रख सकते हो। अगर आपको मेरे सब आइडिया अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना इनमें से कौन सा आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।